नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में क्या खरीदना शुभ होता है घर के लिए। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। श्राद्ध पक्ष में खरीदी से बचने वाले सभी लोग नवरात्रि के 9 दिनों में जमकर खरीदी करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या खरीदने से कौन सी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 9 दिनों में कभी भी पताका यानी कि ध्वजा खरीदकर 9 दिनों तक पूजा करें और नवमी के दिन किसी देवी मंदिर में अर्पित करें। आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए चांदी की कोई भी शुभ सामग्री लाकर देवी को समर्पित करें। आरोग्य पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक कभी भी गाय का घी लाकर रखें। अपना घर चाहते हैं तो मिट्टी का छोटा सा घर लाकर पूजा स्थल में रखें। नौकरी से पदोन्नति चाहते हैं तो 3 नारियल लाकर पहले घर में रखें और नवमी के दिन मंदिर में चढ़ाएं। आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो धूप, सुगंध, अगरबत्ती, रुई या चमकीली सफ़ेद सामग्री खरीदें। सौभाग्य में वृद्धि के लिए समस्त सुहाग श्रृंगार सामग्री खरीदें और काली माँ को नवमी के दिन चढ़ाएं। अपार धन संपत्ति के लिए इन 9 दिनों में किन्नर से पैसा लेकर तिजोरी या पर्स में रखें। मौली खरीदकर उस पर 9 गांठ लगाकर देवी को समर्पित करें और फिर उसे सदा अपने पास रखने से हर कार्य में सफलता मिलती है। ये थी जानकारी कि नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खरीदने से मनोकामना होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।